आप सभी शिव भक्तों का इस महाशिव पुराण की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज से प्रतिदिन आप सभी को महाशिव पुराण की कथा का श्रवण कराया जाएगा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस महान कथा का पाठ तथा श्रवण करता है उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है तथा उसके रोग विकार भी दूर होते हैं। तथा आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि एक बार महाशिव पुराण के सभी अध्यायों का श्रवण आप लोग जरूर करें। अगर आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदू संस्कृति में कल्याणकारी सदाशिव का स्थान सभी देवताओं में सर्वोपरि है। भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में शिव की आराधना किसी न किसी रूप में की जाती है। सर्वाधिक प्राचीन देवों में भगवान आशुतोष शिव को इस सृष्टि का नियंता, पालनकर्ता और सहारक माना गया है। उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का अविभार होता है और उन्हीं की इच्छा से इसका विनाश होता है। प्रस्तुत शिव पुराण में भगवान शिव के महात्म्य, लीला और उनकी कल्याणकारी स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। योगेश्वर भगवान शिव महामंडित महादेव हैं। वे अनादि सिद्ध परमेश्वर और सभी देवों में प्रधान हैं। वेदों में भगवान शिव को अजन्मा, अव्यक्त, सबका कारक, विश्व संस्था और सहारक माना गया है। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप अर्थात सभी का भला करने वाला। वे देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, ऋषि, मुनि, सिद्ध योगी, तपस्वी, सन्यासी, भक्त और नास्तिकों का भी कल्याण करने वाले हैं। विश्व कल्याण के लिए वे स्वयं गरल का पान करने वाले नीलकंठ हैं और संसार में प्रलय मचाने वाले नटराज। वे स्वयं भू भगवान हैं और सभी देव दानवों के आराध्य हैं। इस महापुराण में शिव तत्व का विशद विवेचन किया गया है। सरल गद भाषा में शिव के विविध अवतारों, नामों, लीलाओं, उनकी पूजा विधि, पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, अनेकानेक ज्ञानप्रद आख्यान, शिक्षाप्रद तथा उद्देश्यपरक कथाओं का अत्यंत सुंदर आंकलन किया गया है। इस पुराण में प्रयास किया गया है कि भाषा को सरल से सरल रखा जाए ताकि श्रद्धालु पाठक शिव के कल्याणकारी स्वरूप और शिव तत्व के मर्म को सहज रूप से हृदयंगम कर सकें। हमें विश्वास है कि श्रद्धालु और जिज्ञासु जन इस महान पुराण का अनुशीलन करके अपने जीवन को उपकृत कर पाएंगे, क्योंकि शिव ही एक ऐसे परम ब्रह्म हैं जो अच्छे बुरे सभी के लिए सहज और सुलभ हैं। यह उनकी विलक्षणता और अद्वितीयता है। जहाँ अन्य साधनाओं में तमोगुण की उपेक्षा की जाती है, वहीं शिव तमोगुण का परिष्कार कर उसे सत्व के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। विष को स्वस्थ रखने की औषधि बनाने की युक्ति साधना शिव के अलावा और कौन बताएगा। तभी तो ये महादेव हैं, या इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव संकल्प मस्तु, आपके सुझावों का स्वागत है। अनुक्रम श्री रुद्राष्टक, शिव पुराण महात्म्य। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। चंचुला का संसार से वैराग्य। देवराज ब्राह्मण की कथा। तीसरा अध्याय, विदुंग ब्राह्मण की कथा। चौथा अध्याय, चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। पांचवा अध्याय, विदुंग का पिशाच्योनि से उद्धार। छठा अध्याय, शिव पुराण के श्रवण की विधि। सातवां अध्याय, श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। नमस्कार दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पहले अध्याय की तरफ और आप लोग इसका श्रवण और मनन कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री सोनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में
सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, सौनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक में परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर्व पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसको सुनना चाहिए।